देख रहे हैं हमारे दुर्गे सरकार को और संकेत हुआ कि जनक जात अब लोग ही कैसे सजन सगे प्रिय लागे जैसे कि मतलब हम लोग सोचे कि ये जनक जी भर की दबांद है तो लेकिन नहीं ये सबके दमान है मतलब सबके मेहमान है सबके तो हम मैं चाहूंगी आप लोग सब लोग जानकारी में हैं सब लोग जानते हैं और ये कार तो हमारी बहन माताओं बहनों का है जिसके घर में जब दूल्हा सजता है तो हमारी माताएं कहा करती बुंदेलखंड भाषा में कि चलौरी ही आज फलाने को दूल्हा साजो चलो छौरी करेंगे सम्मान करेंगे ऐसे है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है जितने भी हमारी माता बहन भाई बंधु सब लोग जो हमारे कमेटी के कार्यकर्ता हैं महाराज जी सब लोग आए और हमारे दूल्हे सरकार का सम्मान करें क्योंकि आज ये मिथिला है। यदि आज मिथिला में हमारे राम जी सरकार का सम्मान करेंगे तब लोग ये तब अयोध्या जाएंगे और इनकी माताएं और इनकी सखा बंधु सब लोग पूछेंगे क्यों सरकार आप ससुराल गए थे आपको बड़ा सम्मान किया गया होगा। यदि आप सम्मान करेंगे तो आपका बखान होगा यदि आप नहीं करेंगे तो फिर क्या बखान होगा कुछ नहीं होगा। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग माता बहने आइए देखिए हमारे दूल्हे सरकार का सम्मान करें और जो हमारे लोग भाई बंधु सब लोग देखो सीता जी के परिवार से बैठे हैं आप माता बहने हमारी सीता जी के परिवार जानकी के परिवार से बैठे हैं तो आप जब जानकी के विवाह का तुम्हें खुशहाली है तो आप आइए और हमारे सरकार का सम्मान करिए और हम सखियों के द्वारा भाव सुने और जो तुम्हारे विवाह में गीत होते हैं वो हम लोगों से गीत सुने। अब मैं यही चाहूंगी बहन कि हमारे भाई लोग सभी लोग आएंगे। देखिए भाई पैसे ना वाली बात नहीं है आप सोचे तो हमारे पास पैसे हो तब हम मंच पर आए लेकिन नहीं आप सादा चले आइए चरण छू लीजिए आप चले जाइएगा जो हमारे लीला का आधार है जो लीला की हमारी मर्यादा है आप बढ़ाइए चले तो राग माल कोश पर और हमारे भाव सुनिए क्यों सखी तुम्हारी कौन है ये रिश्ते में जीजा जी होंगे हाँ तब तो मुस्कुरा रही हो सरकार बुरा ना मानिएगा तो ससुराल में सालियाँ हर प्रकार की मजाक किया करती हैं तो इनका बुरा ना मानना क्योंकि तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है सरकार मैं तुम्हारी सराज आए हैं सरज मजाक नहीं करती ज्यादा साली ज्यादा करती हो खड़ी है बेचारी सुने अब हमारा भाव क्या है। कि हमारे मिथिला नगर में कि हमारे मिथिला नगर में और जाति जाति के पाहुने की जाति जाति के पाहुने और जाति जात बे जात इनकी जातो अजात है सब ही जात मिल जा
कहा ना कि सभी जात में ये मिल जाते हैं, ये नहीं है कि हमारे जनकी भर के हैं, सबके दमान संसार के दूल्हा। ऐसा बल मेरा बरु कि ऐसा बल मेरा बरु जल भी और मर जाए परि बरु श्री राम को मोरी चूड़ी अमर हुई जाए। ये सखियों के भाव, सखी आठ सखी हैं, आठ सखी अपने अलग अलग भाव से प्रभु श्री राम जी सरकार को देख रही हैं। तो सुने, अब सुने मंगल चाल गीत। हमने सुना है इनकी मैया है तीन, और ये भी सुना है इनकी एक बहन भी है जिनका नाम शांता, वो भी महाराज सिंगी ऋषि महाराज के यहाँ पे आई थी। तो देखो इनकी मैया तीनों ने देखो कितना अच्छा काजल लगाया है, हैं हमारे बबुआ को नजर ना लग जाया है। मुश्किल तो बहुत फोड़ रहे, लेकिन क्या करें, हंस नहीं आता, अगर हंस देंगे तो फिर वो हो जाएगा। तो देखिए आप कोई ना कोई सब लोग आइए, देखिए अगर राम जी के विवाह का तुम्हें खुशहाली है तो इसमें संकोच ना करिए। अब मैं यही देखना चाहती हूँ माताओं के समाज में या हमारे लोग भाइयों के समाज में, अगर कहीं ये बच्ची हमारी रिकॉर्डिंग करती होती तुम पुरस्कार बहुत देते, लेकिन देख इसका पुरस्कार देना उचित नहीं, इनके पुरस्कार में अच्छा है, निकालोगे 50 निकालोगे 1000। तो इसलिए आप आइए सभी लोग, माता बहन भाई बंधु। अब देखिए कि काजल, अरे मैं तो से पूछो पारी दुल्हा, अरे दुल्हारी मऊसा मोरे हा दुल्हा मोरे दुल्हा। अब देखो गोरारी वाले रिश्तेदार आए हैं, देखो बढ़िया दूल्हे सरकार का सम्मान करें, बैठे गोरारी में बहुत अच्छी लीला होती है, बड़े अच्छे मतलब वो है वहाँ के, हाँ बड़े अच्छे श्रोता बंधु गोरारी वाले मामा जी रिश्तेदार यहाँ के। अरे मैं तो से अरे पूछू बारी दुल्हा, देखिए ये आगे हमारे गोहरारी वाले रिश्तेदार हैं, उन्हीं उनके गांव में जाती रहती हूँ, उनकी तरफ से भगवान के 1 रुपये ने छावरी सम्मान किया गोहरारी वाले जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये होता है राम जी की सरकार की, मतलब ये है शाम, आप देखिए सभी कमेटी कार्यकर्ता हैं, सिर्फ समय है 15 मिनट का, जिसको आना चाहते हो महाराज जी जितने भी हमारे लोग बैठे सामने, यदि आप राम जी की सरकार के परिवार उसमें है जनक जी के परिवार में तो देखिए भाई सब लोग आइए, हमें बार बार कहने में इतना कीजिए बुरा लगता है भाई। देखो जो रामलीला का आधार है उस आधार पर सब लोग आइए, पैसे हो या ना हो लेकिन मंच पर जरूर आइएगा, देखो उनके चरण जरूर छूजिए जिससे माध्यम से आप लीला देख रहे भगवान की। अरे मैं तो अरे पूछू बारे दुल्हा, अरे मौसा बबुआ हो या महुरा
कोई भी एक दो माता बहने तो आई जाए, ना ज्यादा है तो दो ही लोग तो आई जाए। जब तुम्हारे घर में शादी हो तो हमारा फोन नंबर ले लेना, हम फ्री में आएंगे तुम्हारे यहाँ किराया लगा के और नाचेंगे और सुबह होते चले जाएंगे। तो कोई इतनी माता बहने बैठी हैं तो कोई भी माता बहने तो यहाँ तक आई जाए। जब तुम्हारी शादी हो तो हमें बुला लेना, पैसे ना हो तो हम तुम्हें पैसे भी देंगे, लेकिन आप लोग तो कोई ना कोई मंच पर आइए। वहीं से अगर शायद वो कह देते भागवत आचार्य वाले कितने तो वहाँ से नाचते थे और पर जय गोविंद जय गोपाला उनकी भी तुम देखते। आप स्वयं भगवान बैठे तुम्हारे, कहा गया जाकी रही भावना जैसी। आप मंदिर में जाते हैं पत्थर को पूछते क्या वो बोलते हैं, नहीं बोलते ना, अपने घर से भगवान से सोच करके जाते हैं, हे भगवान हम ऐसे ना हमें नाती खुशी रहे, हमें लड़का बच्चा खुशी रहे। तो वही एक मंदिर ये भी है। आप हर ग्राम में हम लोग जाते हैं, कई गांव में कथा नहीं होती, कई गांव में रामलीला नहीं होती, यज्ञ नहीं होते, वो ग्राम बड़े भाग्य हैं जो आज तुम्हारे यहाँ देख रहे हो। भगवान की कृपा है, मैया जी की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा, कैथी दाई जी की कृपा, जो आप लोग ये सब लीला देख रहे परमात्मा की है। तो आप ये संकोच न करें, पैसे वाली बात नहीं, कोई ना कोई तो मंच पर आइए। माता बहन भाई बंधु सब लोग, अगर यदि हमें राम जी का व्यवहार अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, जब नहीं लग रहा तो फिर का हम तो अपना कर ही रहे हैं जो हो रहा है। तो इसलिए मैं अभी ये सोच रही हूँ, इनकी काजल कितना सुंदर इनकी मैया ने लगाया, इनकी बहन जिनका नाम शांता, वो भी महाराज सिंह ऋषि महाराज के यहाँ पे आई थी। तो अब मैं देखिए बहुत अच्छे भगवान को करिए, ऐसे जिसके माता पिता बड़े ज्ञानदार होते हैं ऐसे ही होना चाहिए। देखिए हमारी बहन जी की तरफ से, छोटी बहन की तरफ से भगवान का सम्मान कर रही हैं। देखो ऐसे ही भाव होना चाहिए। और जो कुछ पैसा ले आई हुई है ना हमारी माता बहन, मूँगफली चबा रही हूँ, कहा तो पकड़ रुपया नहीं रह गए काले जान तो रुपया हो या ना हो, लेकिन आप सब लोग मंच पर आइए। देखिए भाई लोग सब लोग आए, अगर हमारे समय फिर इसके बाद हम तुम्हारा कैसेट करवा देंगे फिर। हाँ तो पहले मंदिर में आइए। अरे दशरथ सुते रघुवीर को, अरे दशरथ सुते रघुवीर को, अरे काजल नो नो लगे, अरे काजल नीको लगे, इनकी मैया ने इनकी मैया ले, हाल की मैया ले, इनकी मैया काजल नीको लगे, इनकी मैया ए दौहे लगाए, काजल नीको लगे इनकी। ओ हो ने भगवान का सम्मान किया। और देखो ये बालक बड़े संस्कार, जिसके जैसे माता पिता होते हैं ऐसे ज्ञान प्राप्त करता है। बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए ये आ गए हमारे भैया जी, हमारे भैया जी भगवान का सम्मान कर रहे हैं। और ये आ गए देखिए, ये है दास भैया प्रेम नारायण जी, प्रेम नारायण जी सैन जी, उनकी तरफ से भगवान का किस किस मुद्रा से भगवान का सम्मान किया प्रेम नारायण भैया जी को। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए ये एक भगवान का दरबार है, कर लीजिए। अरे दान दे धन न घटे जो सहे रघुवीर, कर लीजिए दान जितना करना हो। और तो गोरी के सर, ये आ गया हमारे दादाजी की तरफ से,
ये भैया जी की नृत्या ये आ गया हमारे भैया शैलेंद्र राजपूत जी रोशनपुरा वाले उनकी तरफ क्या नमस्कार से भगवान का सम्मान किया। राजपूत जी भैया शैलेंद्र जी को बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद। और हमारे जो पंडित जी हैं जो मोनी महाराज क्या नाम मनोज महाराज जो हमारे संचालक जी हैं वो मंच पर जरूर आए पंडित जी। और जो तुम्हारे कमेटी कार्यकर्ता हैं जब तक आप आओगे नहीं लीला आगे बढ़ेगी नहीं। हो गौरी के सर पे महुरा सो गए महुरा सो गए चंदा सो गए गौरी के सर पे महुरा सो गए महुरा सो गए चंदा इनकी नैना है इनकी नैना है इनकी नैना है बनरसी गोला काजल की को लगे इनकी नैना है। माता जी की तरफ से भगवान का सम्मान किया बहुत बहुत साधुवाद माता जी को। देखिए और हमारे महाराज जी भी सुनते हो तो महाराज जी भी आ जाए और हमारे कमेटी पदाधिकारी जितने भी हो इनकी मैया ने इनकी मैया सम्मान किया माता जी को बहुत साधुवाद। देखिए किशोरी जी के परिवार से हैं और जानकी जी के परिवार से देखो परिवार उनका विवाह करिए और परिवार के देखो आज सीता जी का अपना विदा करिए। ये आ गए हमारी माता जी बहुत साधुवाद धन्यवाद। अरे नहीं हरे घूमिता अरे बाली आरा तैया ये आ गए हमारे देखो माता जी की तरफ से भगवान का सम्मान और हमारी माता जी को बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद। श्रीदेव महाराज जी आप आइए कोई कमेटी का आगे लीला बढ़ाई जाए कोई अधिकारी आ जाए कमेटी वाले तो कोई भी तो आ सकता है एक बंदा आ जाए भगवान का दुपट्टा खोले इसके बाद आगे लीला की जाए। अरे नई हर घूमिता अरे बाली अरारा तैया अरे नई हर घूमिता बाली ला नई हर घूमिता लोग आ जाइए आप अच्छा करिए दस रुपया होगी सौ रुपया दे दो करवा दे दे दिया है हमने। देखिए जो श्रद्धा से हाँ मिले वही लीजिए जी ब्याज भी दे चुके हैं हम जी जी लीला को आगे बढ़ाइए आप बोल दीजिए पटा निकालो।
सब मंचन ते मंचे की सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल प्रभु है देख सब पिए हारे जनरा केश उदय।